हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए आज एक न्यू टॉपिक लेके हम आए हैं कि आपके पर्सन के साथ आपका रियूनियन कब तक हो सकता है। तो डीडिंग टाइमलेस होगा, जब भी जिसके सामने आएगा तब उसके कारण सिचुएशन से मैच करेगा। कोई भी स्पेसिफिक जेंडर के लिए नहीं है, मेल फीमेल कोई भी इसको देख सकता है। और सिंगल मैरिड अनमैरिड डिवोर्सी इस रीडिंग को देख सकते हैं। सबके लिए रीडिंग ओपन है, कोई भी स्पेसिफिक रिलीजन के लिए नहीं है। सारे रिलीजन के लोग इस रीडिंग को देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। प्लीज एंजल गाइड मी, मेरे व्यूअर्स के साथ उनके पर्सन का परमानेंट रियूनियन कब तक होगा। मेरे व्यूअर्स के साथ उनके पर्सन का परमानेंट रियूनियन कब तक होगा। मेरे व्यूअर्स के साथ उनके पर्सन का परमानेंट रियूनियन कब तक होगा। कब तक शादी होगा, प्लीज एंजल गाइड मी। कब तक परमानेंट रियूनियन होगा, कब तक शादी होगा, प्लीज एंजल गाइड मी। मेरे व्यूअर्स के साथ उनके पर्सन का परमानेंट रियूनियन की बात किया है। यहाँ पर स्टेबिलिटी का कार्ड आ गया है। न्यू बिगिनिंग जरूर होगा आप दोनों के बीच। आपके पर्सन आपके तरफ लॉयल है और आपके तरफ भी वो आ रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट कर रहे हैं वो इस सिचुएशन में। देखिए, शादी की बात पूछ रही थी मैं, तो शादी का कार्ड यहाँ पर आ गया है। ये दो कार्ड गिर गए थे गाइस। मेरा जो टेबल है बहुत ज्यादा छोटा है, इसलिए कार्ड गिर जाते हैं नीचे। ठीक है, प्लीज एंजल गाइड मी। मेरे व्यूअर्स के साथ उनके पर्सन का परमानेंट रियूनियन कब तक होगा। देखिए, शादी के दो दो कार्ड आया है गाइस। तो परमानेंट रियूनियन होगा बहुत सारे लोगों का। 9-9 इम्पोर्टेंट है यहाँ पर। कुछ लोगों का यहाँ पर ब्रेकअप सिचुएशन हो सकते हैं गाइस। और आप दोनों के बीच, अगर आप दोनों अगर ऑलरेडी मैरिड हो और कोई कोर्ट कचहरी का मामला है, तो आपके पर्सन आपकी तरफ वापस आना चाह रहे हैं। ठीक है, सिचुएशन को बैलेंस करना चाह रहे हैं। आप दोनों के बीच कोई कंट्रोलिंग फीमेल हो सकते हैं गाइस, जो कि आपके पर्सन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, तो मेरा टॉपिक था कि कब तक परमानेंट रियूनियन होगा आप दोनों के बीच, कब तक शादी हो सकता है आप दोनों का। तो शादी ज़रूर होगा आप दोनों का, क्योंकि यहाँ पर शादी के दो दो कार्ड आए हैं। और आपके पर्सन बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं फिलहाल, आइसोलेशन में है, ओवर थिंकिंग वो कर रहे हैं। कुछ सिचुएशन में वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, सोच रहे हैं, समझ रहे हैं। और जो भी उनके पास चॉइसेस है, जो भी दो ऑप्शन है या फिर जो भी ऑब्स्टिकल्स है आप दोनों के बीच, वो यहाँ पर एंड हो जाएगा गाइस। 10 ऑफ सोर्स के कार्ड है, आप देखिए। और ऑब्स्टिकल्स की वजह से आपके पर्सन दुखी है, खुद की इमोशन छुपा रहे है वो, और बातचीत नहीं हो रहा है कुछ लोगों का यहाँ पर, इसीलिए भी आपके पर्सन दुखी है गाइस और हार्मिन मोड में है फिलहाल। और आपको बहुत ज़्यादा वो अप्रिशिएट करते हैं, उनकी प्यार की कप आपको देना चाह रहे हैं। बहुत ज़्यादा इमोशनल है, एस ऑफ कप्स एंड दी मून आए हैं तो यहाँ पर, लेकिन इमोशन को वो छुपा रहे हैं और आपको स्टेबिलिटी देना चाह रहे हैं, कमिटमेंट देना चाह रहे। देखिए गाइस, मैंने तो जब जैसे कार्ड आया है उसी हिसाब से कार्ड को सजाया था, लेकिन यहाँ पर आप लोग नोटिस करो कि स्टेबिलिटी है यहाँ पर। एस ऑफ पेंटिकल जो कि स्टेबिलिटी को, कमिटमेंट को दिखाता है, लॉन्ग टर्म को दिखाता है, तो उसके नीचे ही दो दो शादी के कार्ड है। ठीक है, तो मैंने ऐसा जानबूझ के नहीं किया था, बस अभी मैंने नोटिस किया कि सारे ही मैरिज के कार्ड एक के बाद एक है नीचे से, और स्टेबिलिटी का कार्ड ऊपर है। यहाँ से आपका विश फुलफिलमेंट जरूर होगा गाइस, और आपके पर्सन आपके शादी शादी करना चाहते हैं, स्टेबिलिटी चाहते हैं। 9 मंथ के अंदर कुछ लोगों का परमानेंट रियूनियन मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। और लकी जो पर्सन है, व्यूअर्स है मेरे, उनके लिए हो सकता है 9 वीक के अंदर भी ये इन्फॉर्मेशन
एनर्जी रेजोनेट करे आपके पर्सन के साथ, आपका परमानेंट रियूनियन हो जाए, शादी का प्रपोजल आए, शादी फिक्स्ड हो सकता है आप दोनों के बीच, या फिर आप दोनों ऑलरेडी मैरिड हो तो यहाँ पर आप दोनों के बीच जो ब्रेकअप सिचुएशन है, सेपरेशन चल रहा है या फिर कुछ झगड़ा हुआ है, फाइट हुआ है आप दोनों के बीच, तो वो सिचुएशन यहाँ पर एंड होगा, ब्रेकअप सिचुएशन एंड होगा और आप दोनों के बीच फिर से रिश्ता जो है ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए मैं कुछ कार्ड को फिर भी क्लैरिफाई करती हूँ ताकि हमें और क्लैरिटी मिले। नाइट ऑफ कप्स क्यों आया है एंजल? नाइट ऑफ कप्स क्यों आया है? देखिए गाइस, ये नाइन ऑफ पेंटिकल है, ये भी नाइन ऑफ पेंटिकल है, इसके बाद नाइन ऑफ पेंटिकल है, यहाँ पर नाइन ऑफ पेंटिकल है। देखिए तो आपके पर्सन आपके तरफ भी आना चाह रहे हैं, प्यार का जेस्चर आपको देना चाह रहे हैं। देखिए आना चाह रहे बोला यहाँ से चैरियट का कार्ड, तो उन्होंने डिसीजन ले चुके आपकी तरफ आ रहे हैं। बॉटम से कार्ड पलटे हुए हैं, देखिए नाइट ऑफ रोड्स दिख रहा है आपको, तो बहुत क्विकली वो आना चाह रहे हैं आपकी तरफ। अगर मूवमेंट बहुत ज़्यादा स्लो था तो आपके पर्सन बहुत जल्दी आना चाह रहे हैं, और दी हेरोफेंट तो आपको शादी का कमिटमेंट वो देना चाह रहे हैं। यहाँ से हेरोफेंट है और यहाँ से हेरोफेंट है। ठीक है, अच्छा फोर ऑफ बैंड्स क्यों आया है? क्या शादी करेंगे मेरे व्यूअर्स को? कब तक शादी करेंगे? कब तक परमानेंट रियूनियन होगा? कुछ लोग का यहाँ पर शादी को लेके फाइट हुआ है या फिर शादी में फाइट हुआ है गाइस। आपके पर्सन हार्ट ब्रोकन है और वो साइकिल को एंड करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो हो सकता है आप दोनों के बीच फाइट हुआ हो शादी को लेके, लेकिन आपके पर्सन वो फाइट को एंड करना चाह रहे हैं, और जिन लोग के पर्सन किसी कार्मिक शादी में अटके हुए हैं जहाँ पर आपके पर्सन खुश नहीं है, हार्ट ब्रोकन है, तो वो सिचुएशन एंड हो सकता है, वो शादी एंड हो सकता है और आपको स्टेबिलिटी वो दे सकता है किंग ऑफ पेंटिकल के साथ। आपको दूर से वो फुकार रहे हैं, देखिए पेज ऑफ रोड्स आना चाह रहे हैं आपकी तरफ। ठीक है, किंग ऑफ कप्स क्यों आया है एंजल? यहाँ पर किंग ऑफ कप्स क्यों आया है? किंग ऑफ कप्स क्यों आया है एंजल? किंग ऑफ कप्स, जजमेंट, यहाँ से व्हील ऑफ फॉर्चून, यहाँ से जजमेंट। कोई मेजर डिसीजन आपके पर्सन ने ले चुके हैं गाइस, ये भी डिसीजन का कार्ड है, दी एम्परर और व्हील ऑफ फॉर्चून जो कि कर्मा को डिनोट करता है, और जजमेंट आपके तरफ हो रहा है डिवाइन की तरफ से, और आपके पर्सन स्टैंड लेना चाह रहे हैं जो भी ऑब्स्टिकल्स है आप दोनों के बीच। ठीक है, उस ऑब्स्टिकल्स को एंड करना चाह रहे हैं डेथ कार्ड के साथ। आपके पर्सन बहुत ज़्यादा इमोशनल है आपकी तरफ, देखिए इस कार्ड को मैंने क्लैरिफाई किया है, बहुत ज़्यादा इमोशनल है, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, देखिए ये सब काफ्स है उसके ऊपर, तो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल वो है, इमोशन उनका ओवरफ्लो हो रहा है, इसीलिए उन्होंने डिसीजन ले चुके हैं आपकी तरफ, जजमेंट करना चाह रहे हैं, जो भी ऑब्स्टिकल्स है स्टैंड लेना चाह रहे हैं और उस ऑब्स्टिकल्स को एंड करना चाह रहे हैं। पावरफुल डिसीजन उन्होंने ले चुके हैं गाइस, सारे ही कार्ड डिसीजन मेकिंग के हैं, जजमेंट जरूर होगा, व्हील ऑफ फॉर्चून के साथ आया है तो, और डिसीजन भी जरूर होगा, एम्परर मेजर अरगाना है। ठीक है, सेवन ऑफ कप्स क्यों आया है एंजल? सेवन ऑफ कप्स क्यों आया है? दुखी है बहुत ज्यादा आपके पर्सन, रिग्रेट में है। नाइन नाइन की एनर्जी है गाइस, देखिए एंडिंग ऑफ अ साइकिल को डिनोट करता है नाइन नाइन। ठीक है, बहुत ज़्यादा इनसिक्योर हो रहे हैं आपके पर्सन, डर रहे हैं जिस सिचुएशन में, और स्लीपलेस नाइट है, रिग्रेट में है, दुखी है, परेशान है, तो उस सिचुएशन को वो काट ऑफ करेंगे, आपकी तरफ जस्टिस होगा गाइस। दोनों ही कार्ड में सोर्स पकड़े हुए हैं, कुछ पावरफुल एक्शन वो लेंगे, एक्शन होगा। ठीक है, सोचेंगे नहीं, बस काट ऑफ करेंगे।
ऑप्शन ऑफ सोर्स क्यों आए हैं सर? ब्रेकअप देखिए, ये भी ब्रेकअप का कार्ड, ये भी ब्रेकअप का कार्ड। तो जिस सिचुएशन में आपके पर्सन स्टक है उस सिचुएशन से बाहर आ जाएंगे, उनके साथ बातचीत शायद नहीं हो रहा है। जहाँ पर भी है आपके पर्सन आइसोलेशन में है, अकेले में रहना पसंद कर रहे हैं, गॉड के पास प्रे कर रहे हैं, वो आइसोलेशन में है, ओवरथिंकिंग कर रहे हैं। जहाँ पर आपके पर्सन है वहाँ पर खुश नहीं है, इसलिए अकेले में है और उस सिचुएशन को एंड करना चाह रहे हैं। जहाँ पर भी स्टक है इसलिए टेन ऑफ सोर्स को क्लैरिफाई किया है। दी हायरोफेंट क्यों आए हैं सर? देखिए, प्रोटेक्टेड हो रहे आपको लेके हायरोफेंट को, हायरोफेंट ने क्लैरिफाई किया है। यहाँ पर देखिए हायरोफेंट को, हायरोफेंट ने क्लैरिफाई किया है। दी हायरोफेंट, दी हायरोफेंट दिख रहा है। तो आपके पर्सन, आपके पर्सन आपको ही शादी करना चाह रहे हैं गाइस। परमानेंट रियूनियन जरूर होगा, जो कि हमारा टॉपिक था यहाँ पर। आपके पर्सन आपके साथ ही शादी करना चाह रहे हैं और 6-6 की एनर्जी है। 6 मंथ में भी आप दोनों का परमानेंट रियूनियन हो सकता है। आपके पर्सन आपको लेके कहीं दूसरे सिटी मूव करना चाह रहे हैं जहाँ पर वो शांति से रह पाए, ठीक है, या फिर पॉजिटिव मूव ले सकते हैं आपकी तरफ। दी हायरोफेंट क्यों आया है एंजल? क्या ओवर थिंकिंग कर रहे हैं? दी हायरोफेंट क्यों आया है यहाँ पर? दी हायरोफेंट क्यों आया है एंजल? जो भी उनका रेस्पॉन्सिबिलिटी है, जो भी बर्डन है, देखिए हायरोफेंट को हायरोफेंट ने क्लैरिफाई किया है। दी हायरोफेंट, दी हायरोफेंट। तो जो भी रेस्पॉन्सिबिलिटी है उनका, जो भी फैमिली का प्रेशर है, तो वहां से वो भागना चाह रहे हैं गाइस, छुपके से। जो भी चॉइसेस है वहां से भागना चाह रहे हैं। नाइन ऑफ कप्स क्यों आए एंजल? नाइन ऑफ कप्स कैसा वो फुलफिलमेंट होगा मेरे व्यूअर्स का? नाइन ऑफ कप्स क्यों आया? जो भी आपके पर्सन मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो विश फुलफिलमेंट होगा। जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, आपके पर्सन थर्ड पार्टी के साथ दुखी है, जागलिंग में दुखी है, जो भी दो सिचुएशन है वहाँ पर वो खुश नहीं है। देखिए यहाँ से भी मून है और यहाँ पर भी मून है, मून कार्ड, दी मून। तो सेम कार्ड नहीं क्लैरिफाई कर रहे गाइस, दो डेक से, दो अलग अलग डेक से। तो आपको दिख रहा होगा कि इसका मतलब ये है कि एनर्जी जो भी आ रहा है वो एक्यूरेट है, ठीक है। कोई भी ऐसा नहीं है कि दो डेक से एक ही कार्ड आ रहे हैं, ठीक है। तो जो कि एक मिरेकल मुझे लगता है, कुछ मिरेकल से कम नहीं है, क्योंकि दो डेक से मैं क्लैरिफाई कर रही हूँ। तो सेम कार्ड को क्लैरिफाई कर रहे हैं और आगे पीछे हो रहा है थोड़ा सा, ठीक है। तो जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, जो भी आपके पर्सन मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जो भी आपके पर्सन का विश फुलफिलमेंट है, तो वो फुलफिल हो सकता है। और आपके पर्सन आपको ही चाहते हैं, आप ही उनके विश फुलफिलमेंट हो। आपके पर्सन आपको ही मैनिफेस्ट कर रहे हैं और जो भी जगलिंग है वहाँ से आपके पर्सन बाहर आना चाह रहे हैं। वहां पर खुश नहीं है, दुखी है बहुत ज्यादा। दी मून क्यों आया है एंजल? दी मून क्यों आया है? वेटिंग में आपके पर्सन, देखिए वेट कर रहे हैं हैप्पी फैमिली के लिए। आपके साथ ही वो हैप्पी फैमिली चाहते हैं। नाइट ऑफ कप्स आपकी तरफ मूव करना चाह रहे हैं, ठीक है। फिलहाल आपके पर्सन बहुत ज़्यादा वेटिंग में है और आपके साथ हैप्पी फैमिली चाहते हैं, काम कर रहे हैं आपके साथ। खुशियाँ फ्यूचर में, अगर आप दोनों के बीच तकलीफ ना आए पेंटिकल को लेके, इकोनॉमिक सिचुएशन को लेके, इसीलिए वो बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं और इस रिश्ते में काम करना चाह रहे हैं। जहाँ पर है बहुत ज़्यादा दुखी है, मून को, मून भी इमोशन को शो करता है। यहाँ पर फाइव ऑफ कप्स, वो भी इमोशन को शो करता है। बहुत ज़्यादा रिग्रेट में है आपके पर्सन और दुखी है जहाँ पर भी है। फोर ऑफ सोर्स क्यों आए हैं एंजल? क्या ब्रेकअप एंड होगा? प्रोटेक्टेड हो रहे हो गाइस, आपको लेके स्ट्रेंथ गैदर कर रहे हैं
और रियूनियन जरूर होगा, दी लवर का कार्ड आया है तो सेलिब्रेशन होगा, थ्री ऑफ कप्स आए हैं। ठीक है, एक कार्ड क्या स्टेबिलिटी मिलेगा एंजल, ये सब कॉइन्स क्यों आया, क्या स्टेबिलिटी मिलेगा। मैसेज का कार्ड बार बार दिख रहा है मुझे अंदर से, ब्रेकअप के कार्ड को जब क्लेरिफाई किया था तब भी मुझे दिखा था लेकिन आ नहीं रहे हैं। इसका मतलब कुछ लोग के पर्सन यहाँ पर कॉल मैसेज करना चाह रहे हैं लेकिन कर नहीं रहे हैं, क्या स्टेबिलिटी मिलेगा। यस, न्यू बिगिनिंग होगा गाइस, शादी में बैलेंस आएगा, अगर आप लोग ऑलरेडी मैरिड हो तो यहाँ पर बैलेंस हो जाएगा, पीसफुल रिजोल्यूशन होगा, सॉर्ट आउट हो जाएगा सिचुएशन। ठीक है, आपके पर्सन डेविलिश एनर्जी से बाहर आ जाएंगे फूल की तरह, जहाँ पर भी अटके हुए हैं। ये सब कब्स क्यों आया है, क्या इमोशन को एक्सप्रेस करेंगे आगे जाके मेरे व्यूअर्स को। देखिए गाइस, मैंने बोला था ना मैसेज का कार्ड मुझे बार बार दिख रहा है, ये कार्ड अनफोल्ड होके है यहाँ पर, ऐसे ही था तब से, जब से मैंने ब्रेकअप का कार्ड को क्लैरिफाई किया था तब आया था ये कार्ड और मैं देख नहीं पाया उसको। ये सब कब्स क्यों आए हैं जर, कुछ सिचुएशन एंड होगा और न्यू बिगिनिंग होगा। देखिए बॉटम से आ गए ये कार्ड, आपके तरफ आ रहे हैं आपके पर्सन, आपका विश फुलफिलमेंट होगा और आपकी तरफ न्यू बिगिनिंग होगा, और आपके पर्सन को इंट्यूशन मिल रहा है, गाइडेंस मिल रहा है डिवाइन की तरफ से, आपका विश फुलफिलमेंट होगा। तो यहाँ पर आप लोग के लिए सिक्स इंपॉर्टेंट है गाइस, सिक्स डेज सिक्स वीक के अंदर भी बहुत सारे लोगों का परमानेंट यूनियन हो सकता है, या फिर नाइन वीक के अंदर, नाइन मंथ के अंदर परमानेंट यूनियन हो सकता है। ठीक है, और बातचीत हो सकता है बहुत सारे लोगों का सिक्स डेज में, नाइन डेज में, या फिर सिक्स वीक नाइन वीक के अंदर। ओके, तो गाइस ये था आप लोग के लिए रीडिंग, तो परमानेंट रियूनियन जरूर होगा गाइस आप दोनों का, तो सिचुएशन डिफर कर सकता है कि आपका सिचुएशन कैसा है उनके ऊपर, अगर आपके साथ एनर्जी मैच होता है जो भी मैंने रीडिंग में बोला वो रेजोनेट होता है आपके साथ, तो आप पॉजिटिवली वेट कर सकते हो परमानेंट रियूनियन के लिए, शादी के लिए। ठीक है गाइस, ये था मेरा रीडिंग, अगर अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, कॉल मैसेज आता है तो ज़रूर से मुझे कमेंट में बताएगा ताकि मुझे भी अच्छा लगे और पॉजिटिविटी मिले, अप्रिसिएशन मिले कि हाँ मेरा रीडिंग देख के किसी ना किसी को कॉल मैसेज रिसीव हो रहा है, रियूनियन हो रहा है किसी ना किसी का, तो मुझे भी अच्छा लगेगा और मेरे जो भी व्यूअर्स हैं नो कॉन्टैक्ट में उनको भी अच्छा लगेगा। ठीक है, तो गाइस इस रीडिंग को मैं यहाँ पर ही एंड कर रही हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए अच्छे से रहिएगा, खुद का ध्यान रखिएगा, टेक केयर योरसेल्फ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।